इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। रायसेन हिंदू युवा संगठन रायसेन द्वारा अनुभाग अधिकारियों को दिया गया ज्ञापन। वार्ड नंबर 1 नयापुरा स्थित श्री कृष्ण गौशाला में मवेशियों को खाने की व्यवस्था न होने के कारण रखने में दिक्कत होती है। रायसेन हिंदू युवा संगठन द्वारा दिनांक 23 जुलाई को 30 मवेशी एवं 24 जुलाई को 40 मवेशी श्री कृष्ण गौशाला नयापुरा में कुल 70 मवेशी थे। हिंदू युवा संगठन के गौ सेवकों से गौशाला के चौकीदार द्वारा कहा गया कि गौशाला में मवेशियों के लिए खाने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर मवेशी मत लाया करो। हमारे ऊपर वाले साहब बोलते हैं कि मवेशियों को रात में बाहर छोड़ दिया करो। अगर श्री कृष्ण गौशाला में मवेशियों को रखने में इतनी दिक्कत है तो ये गौशाला किस उद्देश्य से संचालित की जा रही है? गौशाला द्वारा जब मवेशियों की ठीक तरीके से देखरेख नहीं हो पा रही तो श्री कृष्ण गौशाला को किस उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है? शासन प्रशासन को इस और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। काम करो। अपन चल रहा है, गैया हमारी पड़ी है, गाय हमारी पड़ी है, अपन खुद उठा के नहीं, कुछ बच्चों की हालत भी यही जा मंडल। देखो इतनी जगह होने के बाद भी कह रहा जगह नहीं है, इसमें देखना ये अगर यह कृष्ण गौशाला देख सकते हो आप, वो गैया हमारी पड़ी है, ये देखो ये गाय हमारी पड़ी है, 3-4 दिन हो गए, ये तो इसमें कीड़े हो गए यार, ये कीड़े पड़े हैं, देखो ये कृष्ण गौशाला की पहचान है, ये कृष्ण वार्ड नंबर 1 कीड़े पड़े हैं, कृष्ण गौशाला है, ये हमारे धर्म के भ्रष्टाचारी लोग हैं, की भिन भिन आ रही है, इलाज ही नहीं करवाया वो भैया, इलाज क्या जी, हमारे गौशाला में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा जितना पैसा आ रहा अपने घरों में जा रहा है, गायों में नहीं लग रहा, बदबू मार रही यार भाई, इसको कब फेंकेंगे, किसको बुलाएंगे यार, बदबू खाने को डाला नहीं तुमने, क्या इलाज को करवा सकते हैं, सुबह से क्या काम करा तुमने, नहीं अपन क्या है, अनु जीते मसाला डाल के कहां डाला मुझे बताना, अरे परसों की गाय मरी पड़ी है, परसों की नहीं है भाई, अरे परसों की, अरे सुनो एक दिन की गाय आती नहीं है, मैं घर रखता हूं, शांति रखो, एक बार बताओ उसमें जो कीड़े पड़ रहे हैं, हाँ सुनो ये अंदर कम से 3 दिन कीड़े पड़ गए, उसमें 2-3 दिन की होगी, कम से कम 4-5 दिन की होगी, जब उसमें अंदर मक्खियां बैठ के उसमें साई रखती हैं, तो सुबह की गाय मरी है, ताजी ताजी उसमें मक्खी नहीं बैठती हैं, आप किसी भी को ना डॉक्टर को बुला लो, उसका चेकअप करवा लो, उसको मरे को ना, ये शाम को टाइम पे मरी हुई है, ये मुझे पता है, 4-5 दिन में सड़ती है, और उसमें जो रखी है ना साई सफेद टाइप की, वो बड़ी वाली मक्खी रखती है, और तुमने अभी भी फोन नहीं लगाया होगा, सुनो मेरी बात, मुझे छोड़ दो, किसको लगा, आज डॉक्टर भी करके छोड़ चुका मैं, नंबर दो फोन को, राजेश को अभी को नंबर दो, राजेश चौबी जी को नंबर दो, नंबर दो फोन लगा, मैंने आपको कल फोन भी लगाया था, आपने मुझे नंबर दिया था कि भैया गैया छूटी कि नहीं छूटी, आपने फोन आप 100 टाइम लगाओ क्या, अरे भाई क्या वीडियो पर वीडियो बंद कर दे, पुलिस को बुलाओ, हां सो नंबर ही लगाओ, नंबर लगाओ, फोन नंबर लगाना, आने के लिए खत्म हो गया था, इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।